ये क्या कर रहे हैं अरबाज साहब? जो हमारे माड़े भाई स्टूडेंट मजदूर भाई हैं, जो वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, अच्छा उनको ये वॉच देंगे। वाओ, कितनी प्यारी वॉच है। 8 स्टेप्स, एयरपॉड, कवर, ग्लास। ये आपकी मुलाकात करवाएंगे शानदार मोबाइल वालों से। इतना पैसा इनके पास कहाँ से आया? मोबाइलों का कारोबार करते हैं, कितना फायदा और कितना मुनाफा है, आगे आने वाला वक्त कैसा है इनके फ्यूचर के लिए, ये सारी बातें हमारे आज के डेली पॉइंट के प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आपका नाम? मेरा अरबाज नईम। अरबाज नईम, कितने साल? मैं हूँ 26 का। मोबाइलों का काम कारोबार करते हैं, इतना पैसा है, ये कहाँ से है? ये इसी तरह ही कारोबार करते हैं, मेहनत करते हैं, पूरा हफ्ता काम करते हैं, पूरा साल काम करते हैं, वालदैन की दुआएं हैं और ऐसा आप बहने भाई सारे फॉलो करते हैं, प्यार करते हैं। आप तीनों में से बड़ा कौन और छोटा कौन है? मैं बड़ा हूँ, फिर तैमूर साहब हैं, फिर अरबाज साहब हैं। सबसे बड़े ना सबसे छोटे लग रहे हैं मुझे। बाकी ये लगा था कि आप सबसे छोटे होंगे, लेकिन मूंछों को क्या लगाया हुआ इतनी बड़ी मूंछें? ये जरा स्टाइल है ना, स्टाइल जरा हट के। किसको फॉलो किया है स्टाइल के लिए? ये मुझे फॉलो करते हैं सारे प्यार वाले। आपको फॉलो करते हैं टिकटॉक पे, आप बहुत ज्यादा आते हैं, लोगों को कहते हैं कि 35,000 में 14 प्रो मैक्स भी लोग दूर दूर से लेने आते हैं। यहाँ तक कि अभी रिसेंटली मैंने देखा कराची से भी एक लड़का इनके पास सिर्फ 14 प्रो मैक्स लेने आया था 35,000 का। वो है क्या आईफोन उसमें? वो ये है कि वैसे तो इसका रेट है 5 लाख, तो ये है कि हर बंदा अमीर नहीं होता, बाकी सब ने भी शौक़ पूरा करना होता है 3 कैमरों का, तो वो फिर सब का शौक़ पूरा हो जाता है इस तरह। लेकिन उसके अंदर है क्या कि वो 35,000 का 5 लाख वाला फ़ोन 35,000 में क्यों दे रहे हैं? ये है कि वो तो होता है वो आई लेवल का है कैमरा उसका, वो 5 लाख वाला, इसका कैमरा थोड़ा कम होता है, थोड़ी मेमोरी कम होती है, मगर शक्ल वही चीज़ हो जाती है, तो शौक़ पूरा हो जाता है सारे दोस्तों का। असल हकीकत ये है कि 35,000 वाला मोबाइल इसलिए है कि उसका मोबाइल के कैमरा रिजल्ट अच्छा नहीं है, सिर्फ ये है अच्छा है मगर उस जैसा 5 लाख वाला नहीं है। मतलब किसी को शो ऑफ कराना हो कि भाई मेरे हाथ में 14 प्रो मैक्स है या लेके सामने रखना, 5 लाख वाले भी पड़े हैं। ज्यादा कस्टमर किसका आता है? ज्यादा सारे का आता है, सारा मतलब मिल के होता है ना काम, सिर्फ बोलोगे वो उससे बेच के निजाम चलाओ या इससे, फिर सारा ग्रुप वर्क होता है सारी चीज। तैमूर सर आप बताएं कैसा जा रहा है? बड़ा अल्लाह का करम है, अल्लाह मेहरबान है, वालदैन की दुआएं साथ हैं, माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह का। क्या करते हैं इतने पैसे का, इतना कमाते हैं, कहाँ लगाते हैं महीने? पैसे जनाब ऐसे आते हैं ऐसे चले जाते हैं, अल्लाह की राह में देते हैं, फ्लाई काम बहुत करते हैं, अल्लाह की राह में एक कब्रिस्तान दी है, मस्जिदें हैं, यतीमों का भी करते हैं, तो अल्लाह फिर देता है इंशाल्लाह। आपका मतलब कि जो काम कारोबार आपका अपना है, आपने मंथली सैलरी खुद की अपनी ली? नहीं, हमने कभी सैलरी भी नहीं ली, और जो ज़रूरत होती है वो चीज़ ले लेते हैं, बाकी बीच में ही कारोबार में री इन्वेस्टमेंट। जी ज़्यादा मतलब कि किससे पैसे मांगने पड़ते हैं आप तीनों भाइयों के पास? ज़्यादा हक किसके पास है पैसे का, जिसके पास ज़्यादा पैसा होता है तो किससे मांगने पड़ते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह किसी को मांगने नहीं पड़ते, ये कैश काउंटर सामने हैं, जितने जिसको चाहिए पैसे ले लेता है, कोई हिसाब किताब खर्च ही नहीं है हमारा इतना। हम ना असर हम लालच नहीं करते कि ये है जी इसने ज़्यादा कर ले, इसने ज़्यादा ले लिए पैसे, हम कहते हैं कि यार भाई ये हमारा अच्छा लगे, ये कहते हैं मैं अच्छा लगूँ, मैं कहता हूँ ये इनके पास ज़्यादा हो ये चीज़ें, तो इस तरह करके तब बैठते हैं। तो आजकल आपको पता है जब बंदे शादियाँ कर लेते हैं उसके बाद वो दीवारें डालने लग पड़ते हैं, तो हमारी आप कोठी देखेंगे क्रीम पूरा वो भी इकट्ठी है, इकट्ठी है, लोग आते हैं उधर वीडियो बनाते हैं उस घर की भी, तो उसमें कोई दीवार नहीं है, इकट्ठे रहते हैं तीनों भाई माशाल्लाह। इतना सलूक है आप लोगों में, ये कैसे है? अक्सर भाई कहते हैं कि नहीं मेरा बड़ा भाई जो है वो ये कर रहा है, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, वो ये कर रहा है मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? इतना इत्तफाक तो मैंने नहीं देखा। ये अल्लाह का करम है और वालदैन की परवरिश है, हमारे वालदैन ने हमारी परवरिश इस तरह की है कि बच्चों की दोस्तियाँ बाहर हों ही ना, आपस में ही दोस्त हों, आपस में ही घूमें फिरें, कोई इनको नुकसान ना हो, फ़ायदे ही फ़ायदे हों, अच्छी सोहबत हो। मुझे ये बताइएगा काम कैसा जा रहा है, आईफोन्स का काम है, इसको जब स्टार्ट किया तो स्टार्ट कैसे किया? स्टार्ट तो वालिद साहब ने किया था सन 2000 में, मोबाइल्स का जब स्टार्ट छोटे फ़ोन होते थे, तो अभी माशाल्लाह कर रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको ला रहे हैं साथ साथ, जो कलर जो मॉडल हर चीज़ माशाल्लाह पड़ी हुई है, और इंशाल्लाह ब्रांचें भी इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से शुरू हो रही हैं हमारी, और जो स्टूडेंट आए जो जनाब टीचर आए मजदूर आए सबको इंशाल्लाह प्यार होगा, सबसे लव यू होगा, और सबको जनाब इंशाल्लाह गिफ्ट ही गिफ्ट है, जो माड़े भाई हैं माड़ों से ज़्यादा प्यार होएगा। आजकल लोग क्या करते हैं, जो तगड़ा आता है जिसके पास लैंड क्रूज़र होए उससे उसकी इज्जत करते हैं, माड़े की नहीं करते। हम जनाब तीनों को आप जब भी देखोगे माड़ों के साथ देखोगे, किसी लैंड क्रूज़र वाले के साथ कम ही देखोगे, माड़ों के हम यार हैं, माड़ों को गिफ्ट मिलना है, क्योंकि माड़े ही फॉलो ज़्यादा करते हैं,
लाइक ज़्यादा फॉलो कमेंट माड़े करते हैं भाई, तो हम उनके हमें उनसे प्यार है, लव यू है। अच्छा, आईफोन के काम में कितना मुनाफा है और कितना नुकसान? बस साथ साथ ये दाल रोटी वाला चक्कर है, थोड़ा थोड़ा कर गए। मोबाइल बेड पे रख के सो जाते हैं, टूटते नहीं? नहीं टूटते क्या है, मोबाइल हमारी आपको पता है, नहीं मोबाइल हमारी जाने हैं, तो इनके साथ में प्यार है तो ये हमारे साथ ही होते हैं हर वक्त, समझ लें। ख्वाबों में भी मोबाइल आते हैं हमारे, और लोगों को ये ना क्या ऐसा तो नहीं होता ख्वाब में से मोबाइल चुरा के साइड पे रख लेते हैं और आगे सुबह दुकान पे रख देते हैं, आगे समझ ले गिफ्ट दे देते हैं, जब वो मेरे पास रह जाए वो गिफ्ट दे देंगे। हाँ ख्वाब में से चुराते हैं आप मोबाइल के, देख लिया ख्वाब में मैंने मोबाइल देख लिया, थोड़े से साइड पे रख लो और फिर निकालो सुबह दुकान पे ले आया कोई आया उसको गिफ्ट। मोबाइल जितने हो वो इधर ही होते हैं सारे, डिस्प्ले लगे होते हैं सामने, सर मेहमान के सामने लड़के हैं कोई 10-15-20 लड़के काम कर रहे हैं, हर एक को पेश करते हैं, हर एक को दिखाते हैं फ़ोन। क्वालिटी जो है वो कैसी अच्छी हो सकती है, हम अगर मोबाइल लेने जाते हैं, हमारे व्यूवर्स वगैरह मोबाइल लेने जाते हैं आईफोन, आपको पता है आजकल फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे आपके मुताबिक कि 35,000 वाले में 5,00,000 वाले में कोई फ़र्क इतना है नहीं, मैंने खुद भी चेक किया है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी चीज़ ओरिजिनल है और कौन सी? ये है कि ये कोई अच्छे दुकानदार हो तो वो बताते हैं, ठीक है हमारा काम है एक सेपरेट जगह, उस तरफ वो कॉपी है, इस तरफ ओरिजिनल है, हम सब बंदों को बताते हैं कि ये आपके लिए कौन सा लेना है, ये लेना है या ये वाला लेना है, हर बंदे को बताना चाहिए। और इधर ख़राबी कोई भी नहीं होती फ़ोन में, ठीक है हर फ़ोन ओके होता है, गारंटी होती है, यूज़ हो नया हो बिल्कुल ओके होगा। इधर बंदे आते हैं आंखें बंद करके पैसे देते हैं, देखते भी नहीं ऑन करके घर ले जाते हैं, और ऑनलाइन भी हमारे महंगे महंगे फ़ोन 2-2 लाख के फ़ोन लोग ऑनलाइन मंगाते हैं, आते ही नहीं है, सिर्फ फ़ोटो देखते हैं और मंगवाते हैं। एक बंदे का होता है कि अच्छा देना है या बुरा देना है, हमने अगर हमारी नस्लें चल रही हैं अभी परदादा जी से बिज़नेस चल रहे हैं, पहले मनी एक्सचेंज का बिज़नेस था, तो फिर अमीर से मुँह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे आप। वो ये है कि कुछ मुँह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं मगर उसके बाद उनके पास ख़त्म हो जाते हैं, वो सड़कों पे आए भी हमने देखे हैं, उनको संभालना और उनको बढ़ाना वो भी बड़ी बात होती है। ये क्या कर रहे हैं अरबाज साहब? ये करने के जो हमारे माड़े भाई स्टूडेंट मजदूर भाई हैं जो इस वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे अच्छा, उस उनको ये वॉच देंगे, वॉच इनको चेक कराएं, 100 वॉचें देंगे इंशाल्लाह, 100 वॉच इंशाल्लाह। डेली पॉइंट के मतलब के इंटरव्यू, वाओ कितनी प्यारी वॉच, 8 स्टेप्स, एयरपॉड कवर, ग्लास, ये मेरे भाइयों को बहनों को गिफ्ट मिलेगा जो वीडियो को शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, अच्छे कमेंट करेंगे। तो व्यूअर्स किस चीज का इंतजार है फिर आपको, और 100 पूरी 100 देंगे, और अगर आप लोगों ने वीडियो को शेयर किया या इसको ज्यादा आगे तक बढ़ाया, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, तो नेक्स्ट वीडियो हम इनके घर में करेंगे और आपके लिए गिफ्ट हम लाहौर में लेकर आएंगे, क्या बात है, लव यू हो गया जी, लव यू। व्यूअर्स इसी के साथ शानदार मोबाइल्स में हम मौजूद थे, गिफ्ट्स भी आपके सामने, 100 वॉचेस गिफ्ट्स, जो वीडियो को शेयर करेगा पहले 100 जिनका कमेंट भी अच्छा होगा और जिनकी तरफ से हमें लगेगा कि वो इस चीज़ के हकदार है, तो ये वॉचेस उन्हें गिफ्ट मिलेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान तैयबा वान को दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।